दीपावली के महापर्व का दूसरा दिन रूप चौदस होता है। रूप चौदस कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली की सफाई के बाद और लक्ष्मी पूजन से पहले खुद को स्वच्छ और सुंदर बनाने की यह परंपरा रूप चौदस के दिन सदियों से चली आ रही है। आज हमारे साथ मौजूद है पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, जो आपको बताएंगे कि रूप चौदस के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है और क्या सही विधि है पूजन करने की, जिससे आप रूपवान, गुणवान और प्रतिष्ठावान बन सकते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्रों के झरोके से देखें तो आज का दिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का दिन है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन राक्षस नरकासुर का वध किया था। उनकी स्मृति के अंदर यह दिन जो है विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का दूसरा दिन रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। आज के दिन प्रातः यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। तेले लक्ष्मीर जले गंगा दीपावल्यास चतुर्दशीम। धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि आज के दिन शरीर के अंदर महिलाएं उबटन लगाकर स्नान करती है, वहीं पुरुष लोग जो है शरीर के अंदर कड़वा तेल, जिसे सरसों का तेल कहा जाता है, पूरे शरीर के अंदर मलकर स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तेले लक्ष्मीर, तेल में लक्ष्मी का वास होता है और जल के अंदर गंगा का निवास होता है। तेले लक्ष्मीर जले गंगा दीपावल्यास चतुर्दशीम। इस प्रकार ये जो दिवाली की जो चतुर्दशी है उसका अपना एक विशेष महत्व है। मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों जो पर्व हैं, धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दिवाली, इनका संबंध यमराज से है और दीपदान से भी है। सायंकाल प्रदोष काल में यमराज के निमित्त, यमराज की प्रसन्नता के निमित्त चौमुखा दीपक और उसके साथ यमराज के जो 14 नाम हैं उन नामों के साथ एक एक दीपक लगाने का भी अपना महत्व है। चतुर्दशी की रात्रि कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। ये जो तीन रात्रियां हैं ये विकट रात्रियां मानी गई है। चतुर्दशी की रात और अमावस्या की रात जो महानिशा काल होती है वो अत्यंत जो है भयावह रात्रि होती है और इन रात्रियों में महालक्ष्मी विचरण करती है। यत्र तत्र यह देखती है कि कहाँ शुद्धता है, कहाँ स्वच्छता है, कहाँ पवित्रता है, कहाँ मेरा स्तवन हो रहा है, कहाँ मेरा मंगलगान हो रहा है, कहाँ मेरी पूजा हो रही है। महालक्ष्मी को स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत प्रसन्न है। इसीलिए दीप पर्व मनाने के पूर्व घर को साफ सफाई के साथ जो है सजाया संवारा जाता है। उसी प्रकार आज के दिन महिलाएं महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए नख सिख श्रृंगार करती है, रूप यौवन को संवारती है, शरीर के अंदर नए नए वस्त्र जो है धारण करती है, नए नए आभूषण धारण करती है और भगवती की प्रसन्नता के लिए सायंकाल दीपदान करती है। इसके साथ ही आज का दिन एक विशेष दिन है।
आज की महानिशा काल में, महानिशा का मतलब होता है मध्य रात्रि में भगवान हनुमान जी महाराज अंजनी के गर्भ से प्रकट हुए थे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संकट कटई बिटई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। आज हनुमान जी महाराज की कृपा और प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि हनुमान जी बल के साथ बुद्धि के भी देवता हैं। बल बुद्धि विद्या देहू मोई हरऊ कलेश विकार। यदि आपके कलेशों का कोई निवृत्ति करता है तो वो है भगवान हनुमान जी महाराज। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमत जन्मोत्सव के दो दिवस हमें धर्मशास्त्री ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भी कुछ लोग हनुमत जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। रामचरितमानस में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का विधान और वर्णन हमें प्राप्त होता है। वहीं वाल्मीकि रामायण के अंदर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा काल में अंजनी के गर्भ से हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। तो आज का दिन लक्ष्मी की प्रसन्नता के साथ, यमराज की प्रसन्नता के साथ, हनुमान जी की प्रसन्नता का भी दिन है। क्यों? कि बल बुद्धि और विद्या इन तीनों को देते हैं। आज आप देश में देखिए कि हमारे जो युवान हैं, हमारे जो युवा हैं, उनका आकर्षण हनुमान जी के प्रति विशेष है। क्यों है? कि बल बुद्धि और विद्या तीनों यदि कहीं हमें प्राप्त होती है तो वो हनुमान जी महाराज से प्राप्त होती है। तो हनुमान जी के निमित्त आज दीप दान करने का विशेष महत्व है। उनके जहाँ मंदिर हो वहाँ दीप दान कीजिए और हनुमान जी महाराज के मस्तक के ऊपर सिंदूर अवश्य लगाइए। क्यों? कि माँ सीता ने उन्हें प्रदान किया था, सिंदूर प्रदान किया था, तो वो सिंदूर पूरे शरीर के ऊपर लगाते हैं उसके उपटन के रूप में हनुमान जी महाराज। तो आज का दिन लक्ष्मी की प्रसन्नता के साथ हनुमान जी की प्रसन्नता का भी दिन है। प्रदोष काल में 14 दीपक यमराज के निमित्त लगाना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर, जलाशय पे आप दीपक लगा सकते हैं। भगवान का जहाँ आपका स्थान है गर्भगृह, वहाँ दीपदान कर सकते हैं। घर के चारों ओर चार दीवारी के अंदर आप दीपदान कर सकते हैं। जो घर के अंदर तुलसी का वृक्ष है वहाँ आपको दीपक अवश्य लगाना है। चौराहे पर आप जो है दिए लगाइए। घर के आसपास जितने भी पवित्र स्थान है, मंदिर है, वहाँ भी दीपदान करने का महत्व है। इस प्रकार रूप चतुर्दशी का पर्व रूप संवारने के साथ साथ ही यमराज की प्रसन्नता के साथ ही हनुमान जी की प्रसन्नता का भी दिन है। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि और विद्या तीनों को देते हैं। इस प्रकार से जो दीप पर्व है, वैसे 5 दिनों का दीप पर्व सामान्यतः होता है, धन त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, दिवाली और उसके साथ अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा और 5वां दिन जो है भाई दूज, यम द्वितीया। किंतु 3 दिन जो है ये प्रमुख है, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली अर्थात लक्ष्मी पूजा। तो आज जो है रूप चौदस का पर्व है, शुद्धता और पवित्रता से स्नान करने का पर्व है। क्यों? कि तेले लक्ष्मीर जले गंगा, तेल के अंदर लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। ये शरद ऋतु है, दारुण ऋतु है, इसको यम दंष्ट ऋतु के नाम से भी माना जाता है। इसमें नाना प्रकार के ज्वर जो है फैलते हैं और इसकी निवृत्ति के लिए शरीर के अंदर कड़वा तेल लगाकर स्नान करने से इन सब निवृत्तियों से दूर हम हो सकते हैं और हमारे शरीर को निरोग बना सकते हैं। वहीं लक्ष्मी की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं।